यहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर उक्टर आते हैं? डॉक्टर हम तो अभी नए आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से हमको तो अभी कोई डॉक्टर सीनियर नजर नहीं आ रहा। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो मरीज दूर दराज से आते हैं उनकी स्थिति, जो यहाँ पे बेड है आप देखे किस प्रकार से हालात जो है वो बद से कहीं ना कहीं बदतर है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सन 1925 में इसकी स्थापना काफी तामझाम के साथ की गई थी। लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के तरफ से दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, लेकिन अब पीएमसीएच हड़ताल और मारपीट के लिए ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। मंगल पांडे जी लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हम आपको बताएंगे। आज हालात ये हैं कि पीएमसीएच अपने बदहाली आंसू पे रो रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं जो लोग बिहार के कोने कोने से आते हैं कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से बेहतर इलाज क्या है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दावों में कितनी सच्चाई है, हर एक चीज़ आपको रूबरू कराएंगे। और ये भी नहीं है कि कोई आएगा हमें डराएगा और हम चले जाएंगे। डंके की चोट पे पत्रकारिता करते हो, पिछले 8 सालों से पीएमसीएच को मैं कवर कर रहा हूँ तमाम। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो अधीक्षक साहब बैठते हैं और यहाँ पे वार्ड के लोग बैठते हैं। आप लोग अपना अपना काम करिए, ठीक है? यहाँ पे हथुआ वार्ड है, अपना अपना काम करिए ना आप लोग, सब कोई अपना हथुआ वार्ड है। और देखिए सीधे तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो किस प्रकार से कहीं ना कहीं महरूम है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं, और किस प्रकार से तमाम जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो इलाज यहाँ पे करने आते हैं, लेकिन हालात देख लीजिए कि किस प्रकार से। बेड आप लोग का ठीक है सब? किधर टूटा हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है? देखिए तमाम जो यहाँ पे आपको किस प्रकार से हालात है, देखिए किस प्रकार से यहाँ तमाम जो बेड है, जो सरकारी फंड आता है उसका किस प्रकार से बंडरवाद किया जा रहा है। तमाम बेडों की जो स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ नज़दीक से, किस प्रकार से बेड फटा हुआ, आखिर इसे देखेगा कौन, सुनेगा कौन? सीधे तौर पे एक कहीं ना कहीं बड़ी विडम्बना है। तमाम यहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर उक्टर आते हैं? डॉक्टर हम तो अभी नए आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से हमको तो अभी कोई डॉक्टर सीनियर नजर नहीं। कितना बज गया ये? अभी समझिए हमको 2.5-3 घंटा हुआ है। चादर उधर अपना ला है? ये हमारी नहीं है, वो हमारा वो पेशेंट उसको क्या पूरा बैग टूटा हुआ है। देखिए सीधे तौर पे किस प्रकार से यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं और किस प्रकार से इसी खराब जो इनका ये जो बिस्तर है यहाँ पे, इसको जो सोफा है वो किस प्रकार से फटा हुआ है, और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सीधे तौर पे कहा जाएगा। देखिए तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो मरीज दूर दराज से आते हैं उनकी स्थिति, जो यहाँ पे बेड है आप देखिए किस प्रकार से हालात जो हैं वो बद से कहीं ना कहीं बदतर हैं। इलाज उलाज हो रहा है? हाँ इलाज हो रहा है। बेड उठ फटा हुआ है जी? जी फटा हुआ है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। डॉक्टर साहब रहबे ना करै छी, खाली एगो लड़की अबै छी, डॉक्टर साहब अथिन रे दिक्कत थिन रे। कहाँ से ला रहे दवा? बाहर से ला रहे। बहुत दिक्कत है जी, बाहर से पूरा दवा ला रहे हैं। क्या दिक्कत हो गया? खोखी बहुत एकदम फूलता है, बहुत सांस फूलता है। हां बहुत। डॉक्टर डॉक्टर नहीं आए? ना आवै या ना देखा जाए? अभी नहीं आए ना। बाहर से दवाई लाते हैं? हां बाहर से। क्या दिक्कत है जी? मेरे भाई को प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड की कमी है और ब्लड देने में मेरे घर को मिल नहीं रहा है सर। अभी नेगेटिव है ही नहीं? बहुत दिक्कत में है जी। देखिए तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं हैं, किस प्रकार से फटे हुए बेड में लोग यहाँ पे हैं, किस प्रकार से तमाम चीज़ों को अवगत कराएंगे, और यहाँ पे जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे भी अवगत कराएंगे आपको। देखिए यहाँ पे सिस्टर बैठती हैं, तमाम सिस्टर जो है वो दिन भर यहाँ पे काम करती है, काफी मेहनत करती है। सिस्टर काम हो रहा है? काम तो हो ही रहा है मरीज लोगों को। सब व्यवस्था ठीक है ना? कोई सामान का कमी भी है? कोई सामान का कमी है? नहीं ठीक ही है सर, सारा सामान। बेड फटा हुआ है मरीज लोग का? तो है मरीज लोग का, कोई फटेगा, किसी का नया रहेगा, किसी का पुराना तो होता है, एक बार चेंज नहीं ना होता है। देखिए यहाँ पे जो सिस्टर है वो हैं आपको अधीक्षक कार्यालय में। देखिए कितनी शर्म की बात है। देखिए क्या दिक्कत है बोलिए? दिक्कत ये है कि दरवाजा नहीं है, उधर लेडीज चल जाता है तो हम लोग कैसे जाएंगे सर? देखिए आपको पीएमसीएच के सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, किस प्रकार से पर्दे के भरोसे यहाँ पे लोग जो हैं वो शौचालय कर रहे हैं, किस प्रकार से देखिए गेट नहीं है। हालात देखिए तमाम जो यहाँ पे गेट जो है वो टूटे हुए, यही पीएमसीएच की सच्चाई है। और यहाँ पे लेडीज का बुरा हाल तो उस साइड में हो रहा है, बाथरूम का दिक्कत है। देखिए ये बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच,
बाहर आइए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के आपको अवगत करा रहे किस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे बेड है वो फटा हुआ, और आपको अभी अधीक्षक साहब के पास ले चलेंगे। ये वही मंगल पांडे साहब है जो दावा करते हैं, वादा करते हैं कि बिहार के जो सबसे बड़े अस्पताल है पीएमसीएच उसे चमका दिया गया। देखिए यहाँ पे गंदगी का अंबार है, कोई पूछने तक नहीं है, राम भरोसे ही सब मालिक है, और सबसे लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मंगल पांडे है। ये अधीक्षक कार्यालय, आपको हम वार्ड का नज़ारा दिखा रहे थे, अधीक्षक साहब भी यहाँ पे हैं, आपको अवगत कराएंगे कि आखिर तमाम जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से। देखिए ये उपाधीक्षक साहब का है, लगातार जो सर के तरफ से जो दावा किया जाता है कि काम किया जा रहा है, उपाधीक्षक साहब है। सर कोरोना को लेके या मरीजों को लेके तैयारी चल रही है तीसरी लहर? सर अधीक्षक से बात कर लिया जाए, बैठे हुए हैं। अच्छा आप तो उपाधीक्षक हैं ना? सर वही देख रहे हैं उसको, हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, वही देख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर एके झा हुआ सर। डॉक्टर एके झा हुआ। देखिए ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर एके अशोक कुमार झा सर का नाम है, लगातार यहाँ पे हैं। बोले हैं कि जो सुपरिटेंडेंट है आप उनसे मिलिए, सुपरिटेंडेंट साहब से भी हम मिलेंगे और तमाम चीज़ों को अवगत कराएंगे। और देखिए ये जो है ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का कार्यालय था, यहाँ पे जो अधीक्षक साहब हैं उनसे भी। देखिए सीधे तौर पे डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर साहब अधीक्षक साहब हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने ये भी अवगत कराया कि मीडिया के लोग आए हैं उन्हें बात करने दिया जाए, लेकिन सर किसी व्यवस्था के कारण मीटिंग में थे, बात नहीं कर पाए। लेकिन सीधे तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो मरीजों की सुविधाओं को लेकर लगातार जो दावा वादा किया जाता है, और आपको हमने अवगत कराया कि किस प्रकार से जो तमाम व्यवस्थाएं थी, हाँ जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था जो है वो धरातल पर नहीं उतरी। जब इस पूरे मामले को लेके अधीक्षक और उपाधीक्षक जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि पीएमसीएच को बेहतर व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तमाम जो दोनों जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने मिलने से साफ तौर पे मना कर दिया, और जब हमने आपको उपाधीक्षक के कक्ष का नज़ारा दिखाया तो आप भी ज़रा तस्वीर देखिए और समझिए कि किस प्रकार से किसी 5-स्टार होटल से उपाधीक्षक और अधीक्षक कक्ष जो है वो कम नहीं है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात कर ली जाए तो मूलभूत सुविधाओं से आज भी यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं वंचित, और इसके लिए जो जिम्मेवार जिन पे जिम्मेवारी दी गई है वो कहीं ना कहीं, आप लोग यही मरीज है क्या? मरीज के आदमी है। क्या व्यवस्था उसका मिल रहा है? क्या व्यवस्था मिलता है, देखे ना सर, देखा कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय उचालय व्यवस्था मिल रहा है? शौचालय तो आप जाके देखिए ना सर, शौचालय तो इतना अच्छा है ना कि अगर लेडीज या जेंट्स दोनों एक ही जाएंगे, और लेकिन सारा शौचालय टूटा पड़ा है, किसी में दरवाजा नहीं है, और कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर? हाँ जी, दिक्कत डॉक्टर दिन में एक बार आएंगे, वो भी 10 बजे, और उसके बाद फिर दोबारा कोई देखने वाला नहीं है। नर्स से बोलो तो वो लोग उल्टा बोलेंगे, डॉक्टर से बोलो तो वो अपना देखेंगे। देखिए सीधे तौर पे लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी है, तमाम जो यहाँ लोग अपने परिवार को लेके पहुँचते हैं कि उनका इलाज जो है वो बेहतर किया जाएगा, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर है। रोहित, NBC 24, पटना।